साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन में भागवत गीता का सार, और क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज, सबसे पहले ये एक बार आपको बता देता हूं। दुनिया में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में सुना है, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने भगवान के लिए गाई है, भगवान की स्तुति के लिए बोला है, उनकी तारीफ करी है, उनको सुप्रीम पावर बताया है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक चीज जिसमें भगवान ने गीत गाया है, भगवत गीत भगवान का गीत भगवान ने गाया है इंसान के लिए। और अगर कोई इंसान है और उसने भगवान का गाया हुआ गीत नहीं सुना है, भगवत गीता नहीं सुनी है, तो मेरा ये मानना है उसका धरती पर जन्म व्यर्थ हो सकता है। इतनी पावरफुल बातें इसमें मेंशन्ड हैं। भगवत गीत, भगवान का गीत किसके लिए? इंसान के लिए। वो आपके पास में भागवत गीता है। अब दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज, तो मैं आप सभी के सामने उसकी समरी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप समझ पा रहे होंगे कि इंसान के तौर पर हमें क्यों भागवत गीता को पढ़ने की, सुनने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि भगवान ने इंसान को एक ही बार समझाया है। इससे पहले इंसान ही भगवान की स्तुति करता रहा है कि आप हमारे पालनहारे, आपके पास इतनी शक्ति, आप हमें सुख संपत्ति देते और बहुत सारी चीजें। एक जगह ऐसी है दुनिया में जहां पर भगवान ने इंसान को समझाया है, भगवत गीता यानी भगवान का गीत। बहुत ज्यादा पावरफुल सेशन ये होने वाला है, कई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाले हैं। वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट में नोट डाउन करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इस कंटेंट को हमेशा के लिए याद रख पाए, वरना इस कंटेंट का कोई मतलब नहीं। हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में होना चाहिए, अदरवाइज इट्स सेंसलेस। तो क्या शुरू कर दिया जाए? और आपस में धर्म की बात कोई नहीं करेगा यहां पर। आप चाहे हिंदू हैं, आप चाहे मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे आप जो हैं, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग सेशन फॉर एवरीवन। ठीक है, तो चीजों को समझिए। मैं उसकी समरी आपके सामने लेके आया हूँ। भगवत गीता का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, भगवत गीत भगवान का गीत जो इंसान के लिए गाया गया है, समझिए। गीता का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है और जो हर किसी को पता होना चाहिए, मतलब दैट इज वेरी पावरफुल, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो है अपने काम में अकूत आनंद लो। ईश्वर ने, क्योंकि आज मैं नहीं बोल रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं वो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन के लिए, अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन एक सामान्य इंसान है और कृष्ण भगवान है। उनका ये कहना है, हर इंसान के लिए कहना है, कि अगर धरती पर पैदा हुए हो तो अगर तुम्हें क्लेश से, माता फोड़ी से, समस्याओं से, हाथाजोड़ी से, भागा दौड़ी से बचना है, तो उसका एक ही रास्ता है दोस्त, अपने काम में आनंद लो। ये भगवान कह रहे हैं, इंसान नहीं कह रहे भगवान को, भगवान इंसान को कह रहे हैं। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द गॉड एंड ह्यूमन, जिसमें इंसान तो बोलता ही रहा है, लेकिन भगवान जब पहली बार बोले तो क्या बोले, वो मैं बता रहा हूं आपको।
द फर्स्ट कम्युनिकेशन द लास्ट कम्युनिकेशन गॉड क्या कहना चाहते हैं इंसान को वो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहली चीज, काम में अकूत आनंद लो, एक्सट्रीम जॉय। भागवत गीता में भगवान ने बोला है कि जिंदगी एक एक्ट है, लाइफ इज ए एक्ट एंड यू आर ए एक्टर। भगवान का फेवरेट एक्टर वही है जो अपने काम में सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम आनंद लेता है। ये भी कहा है एक बहुत फेमस चीज, योग है कर्मेशु कोशलम। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कोशलम कि अगर आप अपने काम को पूरे तन से, पूरे मन से, पूरे धन से, पूरी शिद्दत से करते हो तो आपको कोई योगा ध्यान प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, वो काम ही आपका ध्यान है, वही सब कुछ है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। कोई स्टूडेंट है तो क्लास में टाइम पास कर रहा होगा, कभी किसी पास वाले बच्चे के कान में उंगली कर रहा है, कभी पेन कर रहा है। कोई प्रोफेशनल है तो साथ वाले से एक ही बात बोलता है लंच में, मजा नहीं आ रहा, ये जॉब छोड़नी है, मजा नहीं आ रहा। आप मजा ले नहीं रहे। ईश्वर ने बोला, ईश्वर का फर्स्ट एंड लास्ट कम्युनिकेशन भागवत गीता में ईश्वर कहते हैं कि लाइफ इज अ एक्ट और मेरा फेवरेट एक्टर वही है जिसके लिए वर्क वर्शिप है और यही मेरी पूजा है। तुम्हें लगता है ना कि तुम मंदिर में चले गए और वहां जाके बोल रहे हो कि दे दो, नहीं मिलेगा। मंदिर में जाओ समर्पित करने के लिए कि आपने हमें समझाया था वर्क इज वर्शिप, योग कर्मेशु कोशलम। ईश्वर समझा रहा है इंसान को, अब हमने बहुत कुछ कमा लिया, आपको अर्पित करने आए हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो सके। ये करो योग है कर्मेशु कोशलम। ऐसा नहीं है, अपने 90% लोग तो यही कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। भागवत गीता दो चीजों पर बेस्ड है, एक कर्म करना ही पड़ेगा, दूसरा आनंद लेके करना पड़ेगा, तभी नाम होगा। कई लोग पूछते हैं ना जिंदगी में कि इस फील्ड में जाऊं तो करियर बन जाएगा, उस फील्ड में जाऊं करियर बन जाएगा। आनंद लो दोस्त, हंसते मुस्कुराते करो, पूरा फोकस वही होना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिद्धत वही होनी चाहिए, तब तुम्हारा नाम होगा दुनिया में। जितने भी महानतम है, जिसको आप बोलते हो ना आजकल एक वर्ड बहुत फेमस है, GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, डांसर हो, टीचर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, कोई भी हो, उनके लिए योग है कर्मेशु कोशलम है। हो सकता है वो इंसान भगवान को नहीं मानता होगा, लेकिन वो भगवान की कही हुई बात को मान रहा है अपने कर्मों के माध्यम से, और यही तरीका होता है। हाथ में थाली लेके तुम खड़े हो ईश्वर की पूजा करने के लिए, ईश्वर उसे नहीं मानता है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वर्क इज वर्शिप, तुम मेरी पूजा करना चाहते हो, काम करो, पूरे ध्यान से करो, तन मन धन वही होना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ही गॉड बन जाते हैं। दुनिया में जितने भी ग्रेटेस्ट हैं, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो, अगर उसमें शिद्दत है, मन में सिर्फ एक काम के प्रति श्रद्धा है, वो बहुत आगे निकल जाएगा। कोई इंसान बैंक में काम कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, कभी पासबुक इसके ऊपर फेंक रहा है, चेकबुक इसके ऊपर फेंक रहा है, फिर घर जाके भगवान का ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, बकवास है दोस्त। वर्क इज वर्शिप, भगवान ने बोला है। और जब अर्जुन ये कह रहा है कि प्रभु सामने हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बंधु हैं, कैसे तीर चलाऊं, कैसे मारूं उनको, कैसे खत्म करूं, वो कह रहे हैं यहां पर भी कि जिंदगी में काम ही मेरी पूजा है। अभी तेरा काम है युद्ध लड़ना, और ये लड़ना पड़ेगा, यही मेरी पूजा है, इसी से मैं खुश होऊंगा और इसी से सब कुछ मिलेगा। वर्क इज वर्शिप दोस्त, और रट लेना इसे। ये इंसान नहीं कह रहा है, ये भगवान ने बोली है। दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन भागवत गीता ये कह रहा है, योग है कर, और मैं सच कह रहा हूं, भागवत गीता एक ऐसा कॉन्टेंट है, एक ऐसी पवित्र किताब है, ये धार्मिक किताब नहीं है। ये कह रही है योग है कर्मेशु कोशलम, और इसमें कोई एडिटिंग आज तक नहीं हुई। इतनी पावरफुल मोटिवेशन इसमें है कि आज तक
शुरू से लेकर आज तक भागवत गीता जैसी की तैसी है और आने वाले 500 साल तक भी इसकी इंपॉर्टेंस ही रहने वाली है। सी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग। अगर आप ग्रेटेस्ट की सूची में आना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट है तो आप पूरी शिद्दत से क्लास अटेंड करके टॉप रैंक लाकर योग कर्मेशु कौसलम को जस्टिफाई करके अपनी जिंदगी में भगवान कृष्ण की बात को फॉलो कर सकते हैं। वो राधा राधा बोलने से, जय श्री कृष्णा बोलने से, जयस के लिखने से खुश नहीं होंगे दोस्त। वो एक ही चीज से खुश होंगे, कर्म, और डूब के कर्म, पागल होके कर्म, सिर्फ कर्म, नो शर्म। चाहे तुम ठेला लगा रहे हो, चाहे तुम पानी पूरी बेच रहे हो, मोमोज बेच रहे हो, बाहर तुम जूते की पॉलिश कर रहे हो, अखबार बेच रहे हो, बिना शर्म सिर्फ कर्म। और ये गीता में लिखा हुआ है कि जिंदगी का मर्म एक ही है, कर्म कर्म और कर्म, बिना किसी भ्रम कि ऊपर वाला दे देगा, कर्म नहीं कर रहा हूं, ऊपर वाले की पूजा कर रहा हूं, दे देगा, नहीं देगा दोस्त, ईश्वर बोल के गए हैं, जो कर्म करेगा वही आगे निकलेगा। सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई सेकंड थिंकिंग वाली बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, जो अपने काम को योगा की तरह, प्राणायाम की तरह, ध्यान की तरह नहीं कर रहे हैं वो बनते हैं फ्रस्ट्रेटेड कि मजा नहीं आ रहा है, ये कौन सा काम है। रोज सुबह उठो, हाजिरी करो, वापस आ जाओ, फिर उठो, हाजिरी करो, वापस आ जाओ, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और आपका कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी को बोलते हैं वर्थलेस लाइफ। जिए मरते मरते, मरना तो था लेकिन जी नहीं पाए। कर्म, सिर्फ कर्म, ये ईश्वर चाहता है। अब जो फ्रस्ट्रेटेड हैं वो नशा करते हैं और जब ये नशे की तलाश करते हैं तो वही नशा उनको एक दिन लास्ट करता है, खत्म करता है। नशे की तलाश इंसान को एक दिन लास्ट करती है दोस्त। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, भगवान बता रहे हैं कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, मुझे खुशी नहीं होती उससे। कर्म करो, कर्म, जबरदस्त कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि भूल जाओ आगे क्या होने वाला है। वो कहा गया ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, सचिन जब स्ट्रेट ड्राइव मार रहा है, बैटिंग कर रहा है सचिन, स्ट्रेट ड्राइव मार रहा है, शुरू में बैटिंग करने आया, फ्लिक मार रहा है, कवर ड्राइव मार रहा है, वाह स्कोर बनाते जा रहा है। लेकिन जैसे सचिन 90 पर पहुंच गया, 90 पर, अब वो फल की इच्छा करने लगा, 100 कब बनेगा, 100 कब बनेगा, 190 तक पहुंच गया, चिंता नहीं हुई, अब वो फल के बारे में सोचने लगा, 100 कब बनेगा, 100 कब बनेगा, आउट हो गया। एक्सट्रीम फोकस के साथ में काम तभी कर पाओगे जब फल की चिंता नहीं होगी, क्योंकि फल आपको तंग कर देगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति एक ही है, वर्क इज वर्शिप, वही है। क्यों क्यों? क्योंकि परिणाम कंसिस्टेंसी से मिलेगा और कंसिस्टेंसी आनंद से मिलेगी। और आनंद कब मिलेगा? जब वर्क वर्शिप होगा। इस दुनिया में कोई सा भी इंसान जो पैदा हुआ है वो कर्म कर ही रहा है। एक बच्चा भी अगर पैदा हो रहा है, पैदा हो गया है, तो वो अगर उसको माँ का दूध चाहिए तो जो बच्चा पूरी एफिशिएंसी से रो रहा है ये उसका कर्म है, उसको फल तभी मिलेगा। पूरी एफिशिएंसी से रो रहा है कि मम्मी कहीं पर भी है, ढूंढ के पहुंच गई, अरे बेटा क्या हो गया, अरे बेटा क्या हो गया, पूरी एफिशिएंसी। जिंदगी में कर्म के बिना आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर आप भगवान के चहेते बनना चाहते हो, समाज के चहेते बनना चाहते हो, परिवार के चहेते बनना चाहते हो, कर्म करो, कर्म कर्म करो दोस्त। और पूरी खुशी के साथ में, फ्रस्ट्रेशन के साथ में नहीं। अभी मैं आपका सेशन ले रहा हूं, मेरा पूरा फोकस कॉन्सेंट्रेशन, मेरे शब्द सिर्फ आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, मेरा दिमाग कहीं और नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर है। योग है कर्मेशु कौसलम। और मुझे पता है मुझे सेशन के बाद थकान नहीं होगी, शांति महसूस होगी। वर्क इज वर्शिप। अगरबत्ती जलाने से ईश्वर खुश नहीं होता है दोस्त, ईश्वर कह के गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं होते हैं, वो हो ही नहीं सकते, उनका कॉन्सेप्ट ही एक ही है, वर्क इज वर्शिप। और जैसे होगे
वैसे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं हमारे दोस्त मतलबी हैं, हमारे दोस्त बेवकूफ हैं। अगर काम में आनंद लेकर काम करते हो तो जिंदगी में ऐसे लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो आनंद से भरे होंगे। ऐसे लोग इकट्ठा और फ्रस्ट्रेटेड हो तो फिर फ्रस्ट्रेशन से तुम्हारे पास भी ऐसे लोग आ जाएंगे जो फ्रस्ट्रेशन से भरे होंगे, तुम्हारी जिंदगी को नरक कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज योग है कर्मेषु कौशलम। और इसका सीधा मतलब है जिंदगी में शिद्दत से कर्म करो, इस भरोसे मत बैठे रहो अपना टाइम आएगा, शिद्दत से कर्म करो और करते जाओ। तो आज जब इस सेशन को देख रहे हो तो आज प्रण लो कि दुनिया में जब भी कुछ काम करोगे तो पूरे फोकस से, पूरे तन से, पूरे मन से, पूरे धन से, पूरी आत्मीयता से, पूरे फोकस के साथ में, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, आनंद के भाव से करोगे, ताकि वही आपके लिए ध्यान होगा, वही आपका रिलैक्सेशन होगा, वही आपका मेडिटेशन होगा, वो आपकी एक्सरसाइज होगी। टाइम पास नहीं करोगे, क्योंकि टाइम पास किया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये आपका प्रॉमिस होना चाहिए। गीता दो चीजों के बारे में बात करती है, सिर्फ दो चीजों के बारे में, सिर्फ दो चीजों के बारे में, एक काम और दूसरा काम, सिर्फ दो चीजों के बारे में, कर्म कर्म और कर्म, कर्म करना है। क्योंकि अर्जुन कर्म नहीं कर पा रहे थे इमोशनल इश्यूज की वजह से। हाँ, गीता में कहा गया, सेकंड पॉइंट सुनिए, मैं समरी जो आपके लिए ला रहा हूं, काम करना है, दूसरा शांत होकर काम करना है, शांति के साथ, एक्सट्रीम शांति के साथ काम, और काम इमोशंस आड़े नहीं आने चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आपको समझना है, ये बात समझ में आ गई होगी होपफुली सबको, वैसा नहीं है कि कुछ काम करने जा रहे हैं और वहां पर फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए, एक खैनी दबा रहे हैं। ईश्वर पसंद नहीं करता आपको, आनंद लो उसमें। गीता में कहा गया है स्थिरता ही सर्वोच्च गतिशीलता है, इमोशनल मैनेजमेंट, वर्क एथिक्स, 50% गीता वर्क एथिक्स पर बेस्ड है और 50% गीता इमोशनल मैनेजमेंट पर बेस्ड है। स्थिरता ही सर्वोच्च गतिशीलता है, ये गीता में कहा गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब? भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तुम मन और दिमागी रूप से स्थिर नहीं हो तो तुम युद्ध में हार जाओगे, पांडव हार जाएंगे, सत्य हार जाएगा, असत्य जीत जाएगा, झूठे लोग जीत जाएंगे, सच्चे लोग हार जाएंगे। स्थिरता, किसी लट्टू को घूमते हुए देखा है जिसके चारों तरफ डोरी बांधते हैं? आज तक, आजकल तो इलेक्ट्रिक लट्टू भी आते हैं, जब वो बहुत तेजी से घूमता है तो उसे लगता है जैसे रुका हुआ है, लेकिन जब गिरने वाला होता है तो डगमगाने लगता है, हिलने लगता है, हिलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम शांत नहीं हो, तुम शांत नहीं हो, तुम स्थिर नहीं हो तो तुम पुअर परफॉर्मर हो, पुअर परफॉर्मर, तुम कभी एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। अब आज के जमाने में 99% लोग ऐसे हैं जो स्थिर नहीं, स्थिर कौन नहीं है? हर इंसान के पास में अपनी जिंदगी में समय होता है, समय मतलब जीवन, और वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर कोई इंसान पास्ट के बारे में सोच रहा है तो स्ट्रेस रहेगा, क्या मेरी जिंदगी में ये हो गया, काश मैं पहले पढ़ लेता, काश मैं अच्छा काम कर लेता, काश मैं लोगों से अच्छे रिश्ते निभाता। एक ये सोच रहा है कि मेरा आगे क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी,
मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इसी के चक्कर में तुम अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हो, और वर्तमान ही वो है जो तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान ही जिंदगी है, फ्यूचर किसने देखा नहीं है, पास्ट चला गया, दोनों को तुम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में 70% से ज्यादा, मैं तो कहता हूं 90% एनर्जी, 90% लोग इन्हीं दो समय को देते हैं ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग से आपकी एनर्जी खत्म हो रही है। ये एक वो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल डालकर फुल स्पीड में स्टार्ट किया हुआ है, पूरी रेस दबाई हुई है, लेकिन हैंड ब्रेक लगा रखा है, पेट्रोल तो खत्म हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। 99% लोग आज ऐसे स्टेट में हैं कि उनकी गाड़ी फुल आवाज कर रही है, इंजन फुल स्पीड में है, पेट्रोल की टंकी फुल है, लेकिन हैंड ब्रेक लगा रखा है, ब्रेक लगा रखे हैं, गाड़ी नहीं हिल रही। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में है, वो फ्यूचर में है, वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और फिर वो लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनका ये कहना है कि तुम्हें जो कुछ करना है, तुम्हें जो कुछ हासिल होगा, जो तुम करामात कर पाओगे, जो तुम जिंदगी में चमत्कार कर पाओगे, वो प्रेजेंट में रहकर कर पाओगे। पता है, एक महान इंसान में, एक महान में और एक सामान्य इंसान में, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सामान्य इंसान सिर्फ एक बात का फर्क है। महान इंसान ज्यादा समय प्रेजेंट में बिताया होता है, मोर इन प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में प्रेजेंट है, कल मैं ये कर दूंगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम नहीं आएगा, टाइम जा रहा है। 25 के थे तो बोल रहे थे, अभी तो तुम चलो ठीक है 16 के, अभी बोल रहे हो अपना टाइम आएगा, हमारे पास में सब आएगा। 25 के बोलो अपना टाइम आएगा, 30 के बोलोगे अपना टाइम आएगा, 35 के भी बोल रहे होंगे अपना टाइम आएगा, यहाँ टी शर्ट बनवा ली तब तक, 50 की उम्र में डॉक्टर बोल देगा, छाती में दर्द हुआ डॉक्टर बोल देगा इनका टाइम आ गया, तुलसी और गंगा जल ले आओ। फ्यूचर में मत जियो, पास्ट में मत जियो, किसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता, इंसान के इमोशंस की जिंदगी बर्बाद करते हैं। और गीता यही कह रही है, गीता ये कह रही है कि कर्म करो, और कर्म पास्ट में और फ्यूचर में नहीं होते दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में होते हैं। कई लोग फ्यूचर और पास्ट का सहारा लेते हैं कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों बोल रहा है ऐसा? उसे कर्म नहीं करना, वो काम चोर है, वो काम चोर है, वो नहीं होती तो मैं आज महान होता, तू काम चोर है। गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, तू एक बहाना ढूंढ रहा है आलसी होने का, आलसपन दिखाने का, मेरा तो क्या होगा, मेरे साथ वालों का ही कुछ ना हुआ, जो मेरे से आगे थे वही कुछ नहीं कर पाए, मेरा क्या होगा। फिर तू फ्यूचर में जाके रास्ता ढूंढ रहा है आलसपन दिखाने का, तेरा ब्रेन नहीं चाहता, ब्रेन को ग्लूकोज से प्रेम है, ब्रेन नहीं चाहता कि तू ग्लूकोज खर्च करे, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, जबरदस्त चाहिए, और तुझे रोक रहा है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं आज राष्ट्रपिता होता नहीं दोस्त। You're finding a reason to be lazy. You're finding a reason to avoid the work. You're finding a reason to lie on the bed. You're finding a reason to have a rest. But rest and peace will come after your death only. Rest in peace. They will happen after your death. मर जाओगे तब होगा, इस जन्म नहीं हो पाएगा। और कृष्ण कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में शांति से जीना है तो कर्म कर, कर्म कर। घर वाले सलाम करेंगे, 10 लोग दुआ करेंगे, वो कहते हैं ना, कर्म करने लगा तो जो ना पूछते थे हाल उनके भी सलाम आने लगे, कर्म करने लगा तो जो ना पूछते थे हाल उनके भी सलाम आने लगे। जब कर्म में ध्यान दिया, और जब कर्म में ध्यान दिया तो समय बदला और नीम के भी आम आने लगे, जो ना करते थे याद उनके सलाम आने लगे और अब नीम के भी आम आने लगे। ये कर्म की है, कुछ बन जाओगे, कर्म से बनोगे, वर्तमान से बनोगे, फ्यूचर और पास्ट में निपट जाओगे। ये कह रहे हैं कि दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, दुनिया में इंटेलिजेंट लोग बहुत सारे हैं, इंटेलिजेंस भरी पड़ी है,
लेकिन विजडम की कमी है, विजडम नहीं है। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं इंटेलिजेंस तो बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, 10वीं में 95% के बस, बहुत बहुत समझदार है, माँ बाप भी बोलते रहते हैं ना अक्सर, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है सर, पढ़ता नहीं है सर, बहुत टैलेंटेड है बस काम नहीं करता है। मैं बहुत टैलेंटेड हूं मैं बोल देता हूं, मुझे मैं महान हूं साहब, मैं तो महान हूं, अब यहाँ के मेहनत नहीं कर रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, कर्म में बिलीव नहीं कर रहा हूं, अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा हूं, योग है कर्मेशु कौशलम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा हूं, फ्यूचर और पास्ट की एंग्जाइटी में जिए जा रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, कौन पूछेगा मुझे। जो ना करते थे याद उनके भी सलाम आने लगे, कर्म किया मेरा वक्त बदला तो नीम के भी आम आने लगे, नीम के भी आम आने लगे दोस्त, और आते हैं, आते हैं। दुनिया में इंटेलिजेंस भरी पड़ी है लेकिन विजडम, विजडम डिफरेंस पता है, दिमाग है, उस दिमाग का इस्तेमाल करना ही विजडम है। दिमाग तो है, बहुतों में है, उसका इस्तेमाल करना बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस इज वन थिंग, विजडम इज यूजिंग योर इंटेलिजेंस। और कृष्ण कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ 10% से भी कम लोग विजडम का इस्तेमाल करते हैं। विजडम मतलब अपनी इंटेलिजेंस को वर्तमान में कर्म में लगाना, वर्तमान में कर्म में लगाना, फ्यूचर और पास्ट में नहीं, वर्तमान में कर्म में लगाना। गीता में 100%, मगर मैं गीता को एक लाइन में बोलना चाहूं वो मैं लास्ट में बोलूंगा, एक लाइन, एक लाइन, लेकिन गीता में 50% फोकस है काम पर और 50% फोकस है शांत, क्योंकि अशांत इंसान महान नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट है, क्यों गुस्सा करते हैं? धोनी लेजेंड है, क्यों गुस्सा? शांत होते ही ईश्वर आपके साथ में लग जाते हैं। अब जो आप काम कर रहे होते हैं वो आप नहीं कर रहे होते, वो ईश्वर कर रहे होते हैं। विराट कोहली में बहुत टैलेंट है, ट्रॉफीज धोनी ने जिताई है, क्योंकि धोनी शांत है, और शांति से किया हुआ काम, फोकस से किया हुआ काम इंसान नहीं करता है दोस्त, ईश्वर कर रहा होता है। इंसान पुतला होता है, जैसे आप शांत हो जाते हैं ईश्वर आप में घुस जाता है, श्री कृष्ण आप में घुस जाते हैं और फिर काम वो करने लगते हैं। आप सिर्फ चेहरा होते हैं दोस्त, सिर्फ चेहरा, शांत। इरिटेशन, एंग्जाइटी नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्लास से पढ़ के जा रहे हो, कुछ काम करके जा रहे हो, मेहनत करके जा रहे हो, जाते घर वालों के ऊपर बैग फेंक रहे हो, किताबें फेंक रहे हो, ये लो बोलो मेरे से नहीं होता, फटाफट खाना लाओ, कुछ ध्यान नहीं रखते मेरा, सेंसलेस। आज इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। हाँ कभी कभार होता है, मैं ये नहीं कहता कि आप हर दिन, लेकिन आप हर दिन बकवास कर रहे हो, हर दिन गुस्सा हो रहे हो, हर दिन इरिटेट हो रहे हो, कभी कभार ठीक, कभी कभार तो गुस्सा होना जायज भी है, लेकिन शांत तब आप ईश्वर होते हो, शांत होते हो तभी आप ईश्वर होते हो। अब गीता में, गीता में, गीता में कहा गया है कि प्रेजेंट में काम करना है तो शांत होना पड़ेगा, जिंदगी में अगर मेहनत करनी है तो शांत होना पड़ेगा। और गीता ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, गीता कह रही है कि शांत होने का रास्ता सात्विक आहार है, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवत गीत ईश्वर ने गीत गाया, इंसान के लिए गाया, वो ईश्वर कह रहे हैं भोजन सात्विक रखो, अगर भोजन तामसिक है, राजसिक है, जो पच नहीं रहा है, बॉडी को संघर्ष करना पड़ रहा है, अगर पेट अशांत हो गया दिमाग अपने आप अशांत हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, शांत, सात्विकता। सात्विकता में क्या आता है? सात्विकता में वो सभी फूड्स आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मेनली जो प्लांट बेस्ड है। अगर आप कुछ ऐसा ले रहे हो जो भारी है, जो तामसिक है, जो राजसिक है, जिसको पचाना मुश्किल है, तो एक्सरसाइज करो,
तभी आप शांत रह पाओगे, वरना आप शांत नहीं रह पाओगे। काम में आनंद नहीं आएगा बिना सात्विक भोजन के। इस बात को समझ लीजिएगा। इसको मगर एक लाइन में कन्वर्ट करूं तो मैं साफ साफ बता देता हूं, कामनेस इज द रियल शार्पनेस, शार्पनेस फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। कई लोगों को लगता है ना कि हम लोग बहुत तेज तर्रार है, इसको वो बोल दिया, इसको ये बोल दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फोड़ फाड़ देंगे, तू है कौन। अरे वो ऊपर वाला निपटा देगा तुम्हें। शांत, नजर झुकाओ, सर झुकाओ, माता पिता को प्रणाम करो, उनके बिना तो तुम पैदा भी नहीं हो पाते, ईश्वर का ज्ञान भी नहीं सुन पाते। ईश्वर ने पैदा नहीं किया, माता पिता ने पैदा किया है, उनके चरणों में पहले वो प्रणाम नहीं करने देते, दूर से कर लो भाई, ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए, जितना किया हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं उनका। वो कहते हैं ना कि धूप में बाप तपता है और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाके घर में औलाद पलती है, और ये सही बात है। और टीचर्स को प्रणाम किया, और जितना आप प्रणाम करेंगे उतना शांत होते जाएंगे। अपने बड़ों को प्रणाम किया, ये रास्ते हैं दोस्त। माथे पे चंदन लगाने से शांति नहीं आती है कि सुन मेरे नंदन घिस चंदन, इससे शांति नहीं आएगी। झुक जाओगे शांत हो जाओगे, शांत हो जाओगे शार्प हो जाओगे, शार्प हो जाओगे सफल हो जाओगे। ऐसे थोड़ा ना बोलिए। मान लो तुम किसी कमरे में घुसे या किसी तुम फंक्शन में गए, हाँ फंक्शन में गए, वहां तुमसे बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तुम्हारे नॉन लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, और तुम अकड़ में घूम रहे हो, सबसे बड़े हीरो तो हम ही हैं, स्टार तो हम ही हैं, अपना टाइम आएगा तुम्हें भी देख लेंगे, तुम्हें निपटा देंगे, AK-47 रखे हैं तुम्हारे लिए, कभी ना कभी मारेंगे हम, और तुम्हें तो गोली मारेंगे फूफा, हमसे बच कर ही। जैसे प्रणाम करते हैं तो आपका ईगो खत्म हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, नई बातें सिखाते हैं, नए विचार आपके सामने देते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। हमें ये समझ लेना है कि कहीं ना कहीं झुकना, सबको प्रणाम करना, टीचर्स को प्रणाम करना जो हमारी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं उनको प्रणाम करना, सात्विक आहार लेना। एटलीस्ट जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक तो आप सात्विक आहार ही लें तो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक चीज और समझ लो, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आज मेरे पास में हर अल्टरनेट मैसेज यही होता है कि सर बहुत ओवरथिंकिंग है, सर बहुत स्ट्रेस है, सर बहुत एंजाइटी है, सर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, सर मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, मैं डिप्रेस हो रही हूँ, सर अब तो लगता है पता नहीं क्या होगा। ये पता है कौन लोग हैं? ये सारे वो लोग हैं जो या तो फ्यूचर में हैं या पास्ट में है। WHO की एक रिपोर्ट आई है, भागवत गीता के बराबर तो नहीं लिख सकता WHO को, यहाँ लिख देता हूँ WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि दुनिया में आने वाले समय में सबसे ज्यादा पेशेंट मनोरोग के होंगे, उनको चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा पागल लोग होंगे, क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, एक फुटेज दिखा, फिर नई थिंकिंग आई, नए विचार आए कि काश यहां मैं होता, काश, हाँ चले गए ना फ्यूचर में चले गए, काश ये मेरी दोस्त होती, हाँ काश ये मेरे साथ में होता, हाँ। स्क्रीन फटाफट चेंज हो रही है, फटाफट फटाफट, एक जना एक्सरसाइज कर रहा है, अरे यार मेरा भी बहुत मन है, एक जना पढ़ रहा है, अरे यार मेरा भी बहुत मन है, एक जने का सिलेक्शन हो गया, अरे यार काश मेरा भी हो जाता। WHO कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पागल लोग अब पैदा होंगे अगले 10 सालों में। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल की वजह से या तो पास्ट में है फ्यूचर में, मुझे ऐसा बनना है। कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। और वो पता है कब होगा? योग है कर्मेशु कौशलम। पता है जब आप लोग ये कहते हैं ना कि मुझे इसके जैसा बनना है, तब आप शक्ल में रूप में दिखने में उसके जैसा नहीं बनना चाहते, उसके जैसा वर्क एथिक चाहते हैं, यार किसके जैसा काम करना है, क्या क्लासिक बंदा है यार, क्या काम करता है, क्या क्वालिटी है, क्या फोकस है, क्या एनर्जी है अपने काम में, उसके जैसा बनना है।
योग है कर्मेशु कौशलम। अपने आप को एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ तुम एक दिन कुछ बनोगे, क्योंकि गीता यही कह रही है, गीता ये कह रही है, नेवर इमिटेट अदर्स, देखा देखी ना करें। ये ईश्वर कह रहा है भाई, ईश्वर कह रहा है कि मैं नकल करने वाले लोगों से नाराज होता हूं, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, देखा देखी ना करें। उसकी जिंदगी में इतना अच्छा हो रहा है, तुम क्यों परेशान होते हो? योग है कर्मेशु कौशलम, स्थिर होकर काम करो, शांत होकर काम करो, मेमोराइजेशन करो, चीजों को सोचो। ये मत सोचो कि उसके साथ इतना अच्छा हो गया, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं तो खत्म हो गया। इसको देखा, उसको देखा, खुद को नहीं देखा। वो एक कहावत है ना, कबीरदास जी ने कहा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक माही आग, तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। दूसरों को मत देखो, अपने अंदर विराजमान ईश्वर को नहीं देख पाओगे। ईश्वर मतलब परफेक्शनिस्ट, जो आपका बेस्ट है, वही तो ईश्वर है। और कौन है ईश्वर? ईश्वर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आपका बेस्ट ही ईश्वर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखा रहे हैं वो, कि तेरे अंदर देख, इसको उसको मत देख, जो है वो चलने दे, लगा तीर, लगा बाण, ठोक डाल सबको, यही तेरा कर्म है, यही तेरा कर्म है। समझना एक बार इसका, नेवर इमिटेट अदर्स, इसको देखा उसको देखा। ये आज बात बोलना इसलिए ज्यादा जरूरी है, इसकी स्टेटस देखी, उसकी स्टेटस देखी, इसका इंस्टाग्राम देखा, उसका इंस्टाग्राम देखा, आजकल वो थ्रेड धागा वागा और आ गया है, इसका देखा उसका देखा, खुद को नहीं देखा, भगवान नाराज होंगे, खुद पर फोकस कर। ईश्वर कह रहे हैं उनकी नकल मत कर, तेरा पेपर अलग है, तेरा सिलेबस अलग है, तेरा पेपर वो नहीं जो तू मान के चल रहा है, इसका वाला पेपर मत देख, तुझे आंसर अलग लिखना है, तेरा पेपर ही अलग है, ईश्वर कह रहे हैं। खुद को सजा दो, खुद को खपा दो, ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि खुद को तपा दो, ईश्वर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ईश्वर कह रहे हैं कि खुद को सजा दो, डिसिप्लिन में रखो। ऐसा नहीं कि वो घूमने गया तो मुझे भी घूमने जाना, नहीं, बी डिसिप्लिन, खुद को सजा दो, खुद को खपा दो, खपाना मतलब न्योछावर कर दो उस कर्म के लिए, खुद को तपा दो। ईश्वर कहना चाह रहे हैं, ईश्वर क्या, ईश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि 51 रुपए का प्रसाद लेके आओ, मेरे आरती करो, मेरी चालीसा पढ़ो, मेरी अगरबत्ती लगाओ, मेरे धूपबत्ती लगाओ, मेरे दिया करो, नहीं, कर्म करो। क्या क्लासिक बुक है ये, क्या चीज है गीता, मतलब इंसान ने भगवान के लिए कितनी बार कहा, कभी हनुमान चालीसा में कहा, कभी सुंदरकांड में कहा, कभी शिव चालीसा में कहा कि भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ऐसे हो, ईश्वर ने एक बार कहा, क्या परफेक्शन है इसमें, कि खुद, दूसरों की नकल मत करो, खुद पे ध्यान दो, क्योंकि दूसरों की नकल में तुम ईश्वर को नहीं पा सकोगे। और ईश्वर का मतलब है बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपने एक्सट्रीम परफॉर्मर्स को रोते हुए देखा होगा बहुत बार, क्योंकि उन्हें ईश्वर मिल चुका है। रोनाल्डो को रोते हुए देखा होगा, विराट कोहली को रोते हुए देखा होगा, एक्सट्रीम परफॉर्मर्स को रोते हुए देखा होगा, क्यों? क्योंकि ये बेस्ट वर्जन में आ चुके हैं, और यही ईश्वर की पूजा है, इसी से ईश्वर खुश होता है। अपना बेस्ट, फिजिकल बेस्ट, अच्छा खाना खा रहे हैं, जैसा मिल रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं पूरा उसमें खपा दे रहे हैं, तपा दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, लगे हुए हैं,
भटकाव नहीं होता, फिर होता ही नहीं है। भटकाव तो पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है, देखा देखी करने से होता है। वर्तमान में योग कर्मेशु कौशलम शांत है, स्थिर है, खपा दे रहे हैं, तपा दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। कहां भटकाव, कहां डिस्ट्रैक्शन, कहां है, ढूंढ के लाओ, है ही नहीं, मिट गया सब कुछ। कंसिस्टेंसी नहीं आती, इसलिए नहीं आती। दूसरों को देखते हो तुम, दूसरों की नकल करना चाहते हो, उनको टीपना चाहते हो, मत करो ऐसा। दूसरों के पीछे पीछे मत भागो, खुद की तुम्हारी हाईवे है। एक रोड के ऊपर गाड़ियों का पीछा पीछा करते, गाड़ियों का पीछा करते करते रोड नहीं बदला करते दोस्त। हमारी मंजिल है, हमें चलना है। एक गाड़ी यहां मुड़ गई, खुद देख रहे हैं ये कहां चला गया, इधर कोई स्विमिंग पूल दिखता है, कोई रिजॉर्ट दिखता है, इसलिए चला गया। अरे तुम अपनी रफ्तार में चलो, रफ्तार में चलो, समझ जाओ कि मुझे तो सिर्फ इस रास्ते पर जाना है, यही मंजिल है, रास्ता ही मंजिल है, एंजॉय करते हुए जाना है, पूरे फोकस से जाना है, मुझे दूसरों को देखकर भटकना नहीं, खुद पर फोकस करना है, दूसरे पर ध्यान नहीं देना है, किसी भी केस में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये आनंद का रास्ता है, ये स्थिरता का रास्ता है। दूसरों पर ध्यान नहीं दोगे तो आनंद में रहोगे, स्थिर रहोगे। और योग है कर्मेशु कौशलम, जो ईश्वर ने बोला है उसको जस्टिफाई कर पाओगे, मैं नहीं कह रहा हूं, ईश्वर कह रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर पाओगे। दूसरों पर ध्यान दिया, कभी भी आनंद और स्थिरता आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। इसको अपनी जिंदगी में मान। भागवत गीता ये कह रही है, क्या कह रही है सुनो। अर्जुन, तुम सब अर्जुन हो यार, तुम, तुम्हारा गोल है, तुम फोकस्ड हो। पता, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कई बार लोग ये पूछते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सर, और इसका जवाब लिखा गया है कि सर पांडव तो पांच थे, अर्जुन उसमें सबसे जबरदस्त थे, ईश्वर अर्जुन के साथ में क्यों थे, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम के साथ में क्यों नहीं थे? पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास कॉन्सेंट्रेशन थी। ईश्वर को पता था कि एक कर्म को योग मान के करता है। हाँ, अभी इमोशनली अपसेट है क्योंकि सामने वाले इसके भाई बंधु हैं, अभी अपसेट है, लेकिन ये योग और कर्म में कोई अंतर नहीं करता है। और जब कोई इंसान योग और कर्म में कोई अंतर नहीं करता है, उसका कर्म ही योगा होता है, कर्म ही ध्यान होता है, कर्म ही फोकस होता है, तो ईश्वर उसके साथ लग जाता है। ईश्वर भी पार्शलिटी करता है। तुम्हें क्या लगता है ईश्वर सबके साथ में? गलत फहमी है तुम्हारी, लिख लेना इस चीज को, सबके साथ में नहीं ईश्वर। ईश्वर उसके साथ में है जो कर्म को योगा मान के करता है, जो स्थिर है, जो शांत है, जो प्रेजेंट में है, पास्ट में और फ्यूचर से बहुत दूर है, जो एंग्जाइटी से, रिग्रेट से, पश्चाताप से बहुत दूर है, उसके साथ ईश्वर है। तुम्हें क्या लगता है सबके साथ में? बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया तुम्हारे साथ ईश्वर है? नहीं, नहीं। योग है कर्मेशु कौशलम, स्थिर बनो, देखा देखी मत करो, नकल मत करो, इसका उसका देखा फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, इसका देखा उसका देखा फ्रस्ट्रेशन आएगा, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आएगा, और कुछ नहीं आ पाएगा। अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं? कर्म से भागना सबसे बड़ा अपराध है मेरी नजर में, सबसे बड़ा अपराध है। ईश्वर कह रहे हैं, आप देख रहे हो, मतलब एक इंसान है उसको अपने कजिन्स को मारना है। हाँ, जब आप खुद सोचो, आपके अगर ताऊजी के बेटे की डेथ हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है, शमशान में आप उसका क्रियाकर्म करने जाओगे,
आपके लिए वो दुख भरा दिन होगा, आपको बहुत बेकार लगेगा, आप रोओगे, लेकिन अर्जुन को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बनना है, क्योंकि तो युद्ध हो रहा है, अर्जुन को उनको मारना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा, और उसका एक ही रास्ता है। अर्जुन भाग रहा है कि प्रभु हमसे ना हो पाएगा, हमारी औकात के बाहर की चीज है, माफ करो। ईश्वर कह रहे हैं कि कर्म से भागना सबसे बड़ी शर्म की बात है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही मर्म है, कर्म ही जीवन है, कुछ और धर्म है ही नहीं, जीवन का कुछ और मर्म है ही नहीं। कर्महीन हो जाओगे, कर्महीन, एक गाली बोलते हैं ना अपन लोग, कमीन कमीन, वो कर्महीन था पहले, कर्महीन एक गाली है। ईश्वर खुद कह रहे हैं कि कर्महीन बनना गाली है, कर्म से भागना सबसे बड़ा अपराध है। तुम लोग जिंदगी में कुछ डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये करना है, और उसके बाद अगर उसे छोड़ देते हो, उसे पीछे हट जाते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, अपराध है। मैंने बोला कि मैं गीता का सेशन लूंगा, मैंने पोस्टपोन किया, क्यों? क्योंकि अगर मैं बीच में ले लेता तो शायद मैं अकूत आनंद लेकर ये काम नहीं कर पाता। मैंने खुद ने गीता पढ़ी, मैंने खुद ने गीता को समझा, मैं गीता को आपसे कनेक्ट करने का प्रयास किया कि विद्यार्थियों के लिए गीता किस तरीके से बेहतरीन पुस्तक की तरह काम कर सकती है, बेहतरीन मेंटर गाइडेंस गाइड की तरह काम कर सकती है। तो मैंने खुद ने पढ़ा, एनालाइज किया, और फिर मैं आपके सामने आया। तो आप ये समझ लो कि अगर तुमने जिंदगी में कुछ सोचा और तुम वो नहीं कर रहे हो, मतलब 50% गीता, 50% गीता इसी पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसी पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर तुम इस सेशन को देख रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। और कई बेवकूफ लोग यहां पर भी कह देंगे कि नहीं, हमें तो वेब सीरीज देखने का मन हो रहा है, ये भगवान की बेइज्जती है। जो एक काम करने आए हो उसे शिद्दत से करो, फ्यूचर में पास्ट में ना जाओ, प्रेजेंट में रहो, पूरी इज्जत के साथ में, शिद्दत के साथ में, कर्म को धर्म मानकर, वर्क को वर्शिप मानकर, कर्म को ही जीवन का मर्म मानकर, कर्म में किसी शर्म के बिना अगर वो काम कर रहे हो तो आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो, अल्लाह की पूजा कर रहे हो, जीसस की पूजा कर रहे हो, बुद्ध की पूजा कर रहे हो, सब कुछ वही कर रहे हो। अदरवाइज यू आर गॉन, यू आर गॉन। एक इंसान, सामान्य इंसान जब काम करने जाता है कहता है काम में मन नहीं लगता, घर आता है कहता है घर में मन नहीं लगता, दोस्तों के साथ जाता है दोस्त बदल गए मन नहीं लगता, वो धरती पे निपट जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका कहीं मन नहीं लगेगा, समय खराब होता जाएगा और मर जाएगा। तो हमें ये समझ लेना है कि कर्म ही मर्म है, और एक इमेच्योर इंसान, एक इमेच्योर इंसान वो सोचता है कि अपना टाइम आएगा और तब मैं कर्म करना शुरू करूंगा, तब मैं मेहनत करना शुरू करूंगा। अरे तू, जब तू मेहनत करेगा तब तेरा समय आएगा। एक बार तो डिसाइड कर लिया उसे हर एक कीमत पर जस्टिफाई कर, नहीं कर सकते हो, यू आर गॉन। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ आपको। भगवान बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ जंगल में चले गए थे सत्य की खोज में। उनको लगने लगा था कि इंसान की मौत तो एक दिन निश्चित है, मैं उसका सत्य बताना चाहता हूँ, दुनिया से, दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी का सत्य क्या है। जंगल में चले गए। अब जंगल जंगल है, वहां इंसान कैसे टिक पाएगा, इंसान कहाँ टिक पाएगा। गए, चार पांच दिन में परेशान हो गए कि यार इतने सारे जीव है, इतने सारे जंतु है, कभी बारिश आती है, सोऊं कहाँ, चलूं कहाँ, रहूं कहाँ, मन नहीं लगता, नहीं किससे बात करने के लिए कोई है नहीं। तुम सोच रहे हो सैक्रिफाइस का लेवल, एक राजकुमार जंगल में चला गया है जहाँ कोई उससे बात करने वाला नहीं, उसको समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, खाने पाने का बंदोबस्त नहीं, कुछ नहीं है। पांच छह दिन में उनका दिमाग खराब हो गया, बोले यहाँ से बाहर निकलो, अपना राजमहल बहुत अच्छा था, निकलो यहाँ से। निकलने वाले थे एक शाम को, प्लान कर लिया कि कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, अभी रात का अंधेरा है, अच्छा निकलना सही नहीं होगा, सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। झील के पास आके बैठ गए, झील के पास आकर बैठे तो वहां एक गिलहरी थी,
गिलहरी क्या कर रही थी कि अपनी पूंछ को झील में डुबो रही थी। बुद्ध इसलिए गए थे, उनको प्यास लगी थी, वो झील में अपनी पूंछ को डुबो रही थी और बाहर आकर झड़क रही थी। झील में अपनी पूंछ को डुबो रही थी और बाहर आकर झड़क रही थी। फिर गई झील में, पूंछ को डुबाया, झड़क रही। बुद्ध ने उससे पूछ लिया कि क्या चक्कर चल रहा है, ये सब क्या नाटक है। बोले झील को सुखा रही हो। अब जैसे तुम हंस रहे हो वैसे बुद्ध भी हंसने लगे, झील को सुखा रही है गिलहरी। बोले तेरे से नहीं हो पाएगा। बोले बुद्ध आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आप हारे हुए हैं, आप जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस झील ने मेरे पूरे परिवार को डुबोकर मार दिया है और अब मैं अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से लेकर रात तक सिर्फ एक कर्म करूंगी कि इस झील को सुखा दूंगी, और जब तक इस झील को नहीं सुखाती हूं मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। बुद्ध वहीं रुक गए, बुद्ध वहीं रुक गए और जब बाहर निकले तो महात्मा बुद्ध थे। कुछ शुरू किया है उसे बीच में छोड़ना पाप है, कुछ शुरू किया है सरेंडर हो जाना कि मुझसे नहीं होगा, ईश्वर नाराज होगा तुमसे। और ऐसे लोगों की कभी परवाह नहीं करता ईश्वर, कभी परवाह नहीं करता, ऐसे लोगों की कभी इज्जत नहीं करता ईश्वर। आज कर्म करो, आज कर्म करो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म ही जीवन का असली धर्म है, कर्म ही धर्म है, समझ लेना इस चीज को। ईश्वर ये कह रहे हैं कि तुम अगर ये बोल रहे हो राधा राधा अच्छी बात है, लेकिन इस भरोसे मत रहना कि राधा राधा बोलने से सब हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। राधा राधा तो मैंने खुद ने बोला, राधा मेरी नहीं हो पाई। हालांकि फिर ये बोला गया कि राधा और कृष्ण एक ही हैं, वो तो अलग है ही नहीं, कई बातें, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जय श्री राम बोलने से, या अल्लाह सबसे बड़ा है बोलने से, या जीसस सबसे बड़ा है बोलने से, तुम बेवकूफ साबित होते हो, बुद्धिमान नहीं। ईश्वर कह रहे हैं, और ईश्वर कह रहे हैं कि बुद्धिमान बनने का एक ही रास्ता है, शांत होकर कर्म करो। अब आगे क्या कहते हैं, आगे जो आखिरी बात कहते हैं वो ये कि एक सबसे बड़ी शक्ति है, एक सबसे बड़ी शक्ति है, ये कहते हैं श्री कृष्ण। तुम चाहे कितने ही कमजोर, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम चाहे कितने कमजोर हो, चाहे तुम कितने निर्बल हो, चाहे तुम कितने गरीब हो, चाहे कितने असमर्थ हो, चाहे कितने साधन विहीन हो, अगर तुम कर्म को योगा मानकर, योग है कर्मेषु कौशलम, स्थिर रहकर, शांत रहकर परफॉर्मेंस दे रहे हो, किसी की नकल नहीं कर रहे हो, किसी से ईर्ष्या जलन का भाव नहीं रख रहे हो, अपने काम में आनंद ले रहे हो, अपने जीवन में मन में स्थिरता लाए हुए हो, कर्म से नहीं भाग रहे हो, कर्म को ही अपना धर्म मान रहे हो, तो मैं उस इंसान का हाथ पकड़ लेता हूं और वो सबसे कमजोर इंसान भी सबसे ताकतवर बन जाता है। क्योंकि जब वो इंसान इंसान नहीं होता, वो ही भगवान होता है और दुनिया में उसे कोई जीत नहीं सकता। ईश्वर कहते हैं कि दुनिया में ऐसे इंसान से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि जब इंसान इन सब बातों को मानते हुए आगे बढ़ता है तो वो इंसान नहीं होता, वो इंसान ही श्री कृष्ण होता है। ये बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, तब उस इंसान के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, उस इंसान के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है। चाहे वो कितना कमजोर हो, चाहे कितना गरीब हो, चाहे वो कितना बेसहारा हो, माँ बाप ना हो, अनाथ हो, किसी का सपोर्ट ना हो, भाई बहन ना हो, पैसे ना हो, कुछ ना हो, लेकिन कर्म को योगा की तरह करता है, शांत स्थिर रहकर काम करता है, किसी की नकल नहीं करता और कर्म को ही धर्म समझता है, तो इंसान एक दिन ईश्वर बन जाता है और वो निश्चित विजय प्राप्त करता है, निश्चित विजय प्राप्त करता है, निश्चित विजय प्राप्त करता है, निश्चित ही विजय प्राप्त करता है। उसे दुनिया में कोई शक्ति, कोई ताकत हिला नहीं सकती,
मिटा नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती। तो इस चीज को हमें समझ लेना है, और हो सकता है कि आप इस चीज को शॉर्ट टर्म से कनेक्ट करें कि सर मैं तो ये सब कुछ कर रहा हूं, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूं। एटीट्यूड लाओ। हो सकता है कि तुम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन तुम इस प्रैक्टिस में सबसे बेस्ट प्लेयर ना हो, ईश्वर तुम्हारे साथ में होगा, आज नहीं तो कल होगा, एक साल में नहीं तो पांच साल में होगा, पांच साल में नहीं तो दस साल में होगा, लेकिन तुम जब तुम्हारा सुदर्शन चक्र चलेगा ना तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि वो तुम नहीं होंगे, वो भगवान श्री कृष्ण होंगे। यही गीता है। और अगर मैं गीता को सिर्फ एक लाइन में कन्वर्ट करूं, सिर्फ एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में, तो गीता एक लाइन में एक ही बात कहती है, एक ही बात कहती है, शांत रहकर, शांत रहकर अपने आप को कर्मलीन करना, कि कर्म में अपने आप को खपा देना, तपा देना, कि कर्म में खप गए, तप गए और कर्म के अधीन हो गए। शांत रहकर अपने आप को कर्मलीन करना ही गीता का मूल है, और यही चीज है जो ईश्वर आपसे चाहते हैं, यही ईश्वर आपसे चाहते हैं, कि आप शांत रहें और सिर्फ कर्म पर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा।